वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। तो आज एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं जीके कार्ड्स की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जीके कार्ड्स ने इतने अच्छे से उसको पैक किया था इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी खोल चुका हूँ, मतलब ऊपर की ऑलमोस्ट तीन चार लेयर्स थी जो मुझे हटानी पड़ी, तो अभी बस ये लास्ट लेयर ही बची है। मैंने अभी बुक्स नहीं देखी हैं, तो दिस इज़ हाउ द पैकेज लुक्स। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो पहली बुक है परकाले। तो मैं अभी कैचअप कर रहा हूँ सारे विशेषांक और जो स्पेशल इवेंट वाली बुक्स आई थी मल्टी स्टारर में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है परकाले जो मुझे चाहिए थी। इसमें वही क्लासिक आर्ट है, बहुत सारे इसमें ध्रुव के क्लासिक विलेंस हैं और आई थिंक ये शकूरा है। धनंजय है इसमें, चंडकाल है, सॉरी दैट वॉज चंडकाल नॉट शकुरा। तो ध्रुव और नागराज से क्लासिक विलेंस हैं इसमें, काफ़ी अच्छी लग रही है ये बुक। दूसरी बुक देखते हैं परमाणु शक्ति। तो परमाणु की बुक्स जैसे मैंने अभी रिसेंटली ली थी, तो डोगा शक्ति, परमाणु शक्ति, ध्रुव शक्ति, ये बुक्स आती हैं, तो इसी सिलसिले में मैंने परमाणु शक्ति भी ली है। इसमें तो परमाणु की ही क्लासिक टीम है, तरुण कुमार वाही और मनु जी कार्ड। मैं ये कहना चाहूँगा एक और बुक मैंने पढ़ी थी आ शक्ति या परमाणु, वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उसमें स्टोरी तो अच्छी थी पर आर्ट उसमें मनु जी का नहीं था और काफ़ी शॉर्ट ही थी वो बुक। फिर आते हैं तो ये ड्रैकुला की बुक्स हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया कि ड्रैकुला का सेट मैंने फ्रैगमेंटेड लिया था, तो दो बुक्स RCMG से आई थी और बाकी की दो अभी मंगवाई हैं जीके कार्ड से। तो अभी ड्रैकुला का सेट पूरा हुआ तो ड्रैकुला की बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो ये पूरा सेट हुआ ड्रैकुला का हमला और नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल। ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत और कोलाहल। तो अभी कलेक्शन पूरा हो गया है, ये इनको पढ़ने में मज़ा आएगा इंडिविजुअल बुक्स में। फिर एक नॉर्मल बुक बांकेलाल और जादू जादूगर जान फूंक। बांकेलाल की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर आती है इंस्पेक्टर चीता, ये क्लासिक बुक है, इसका रिप्रिंट RC राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी से था। ये सरप्राइज़ के तौर पे मुझे एक स्टिकर मिला है, मुझे पता नहीं शायद ये इस बुक के साथ आया है या ये जनरल सेट के साथ, बट ऐसे सरप्राइजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत सुंदर सा एक ट्रेडिंग कार्ड है भेड़िया का और ये एक पेपर स्टिकर है क्लासिक। ये देखिए कितना रेट्रो सा ऐड है इंस्पेक्टर चीता में, क्लासिक प्रताप मलिक जी का कवर है, विनोद कुमार जी का चित्रांकन अंदर और तरुण कुमार जी की राइटिंग। फिर आगे बढ़ते हैं फाइटर टोट्स की मूषक राज, इसका कवर बिल्कुल अच्छा कलरफुल सा। मैं जितना फाइटर टोट्स पढ़ रहा हूँ उतना मुझे लग रहा है कि इनकी और बुक्स क्यों नहीं आई, इतनी अच्छी इसमें राइटिंग और इतना फील गुड फैक्टर होता है फाइटर टोट्स की बुक्स में। मैं शायद क्रेडिट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं इसके क्रेडिट शायद एंड में हैं। बहुत सारे एड्स हैं इसमें,
तो इसमें यहाँ तो क्रेडिट्स दिख नहीं रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है ये अनुपम जी की ही बुक होनी चाहिए। आर्ट मुझे शायद उनकी नहीं लग रही है, आप लोग को पता हो तो ज़रूर बताइए। मूषक राज की टीम क्या थी? फिर ये एक नॉन राज कॉमिक्स की बुक, यंत्र दानव का आतंक, ये मुझे, ये कॉमिक्स इंडिया का एक रीप्रिंट था और ये बहुत ही यूनिक सा कवर है। दिस इज़ लाइक मैट एंड देन स्पॉट यूवी इन फ्यू प्लेसेस, और ये बहुत अच्छा एक कवर है। तो ये शक्तिपुत्र एक कैरेक्टर है, उसकी पुरानी बुक थी यंत्र दानव का आतंक, और इसका आर्ट और जो कवर है उसी के लिए इट्स वर्थ बाइंग। इसमें एक बहुत अच्छा फील आ रहा है, जैसे पुराने फोटो प्रिंट्स होते थे वैसा क्वालिटी है इसका, और ये पुराने नॉवल के कवर जैसा इसका फॉन्ट है। राधा कॉमिक्स रीप्रिंटेड बाय कॉमिक्स इंडिया। अब आते हैं इसके बड़े आइटम पे, जिसके लिए पार्सल बड़ा और थोड़ा हैवी भी हो गया था, फाइटर टोस की प्रथम बुक। तो इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, अभी मैंने फाइटर टोट्स की दो बुक्स और ली हैं, तो मुझे बहुत मन था कलेक्टर्स एडिशन लेने का, पर सारे कलेक्टर्स एडिशन तो ले नहीं सकते, इसलिए इंडिविजुअल बुक्स में मैंने फाइटर टोट्स, जाली नोट और शायद एक और बुक ली है, 1, 3 एंड 4। एक बुक चैम्पियन भी है, इसमें WWE WWF की फाइट्स थी। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए युगनायकम भी यहीं रखी है, तो ये सेम उसी के साइज़ की है। तो ये थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग GK कार्ड्स के द्वारा। ऑल बुक्स आर इन ग्रेट शेप एंड थैंक यू GK कार्ड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल ए सुपर हीरोज़ होए।